सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे कोचिंग एनएचपीसी ने अपने जो क्वार्टर टू के नंबर वो डिस्क्लोज कर दिए अभी सॉरी, तो रिजल्ट्स कैसे हैं और साथ में क्या कुछ अनाउंस हुआ है और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें आखिरकार स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलने वाला है, तो इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर, ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दिया गया डाटा भी, ये क्वार्टर एंडेड और यहाँ पर आपको हाफ ईयर एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम रही है वो 3,402 करोड़ की, जो प्रीवियस क्वार्टर में 3,037 करोड़ थी और वहीं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3,113 करोड़ की, यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसकी इनकम में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। एंड हाफ ईयर में भी आप लोग देखोगे इनकम 6,124 करोड़ से इंक्रीज होकर 6,440 करोड़ पर पहुंची है, तो ओवरऑल इनकम काफ़ी शानदार। इसके अलावा हम देखेंगे इसके एक्सपेंस, यानी कंपनी ने जो खर्चे किए हैं भाई, एक्सपेंस भी तो बढ़े हैं ना। अब की बार करंट क्वार्टर में जो एक्सपेंस रहे इस क्वार्टर के दौरान वो है लगभग 1,831 करोड़ के, प्रीवियस क्वार्टर में क्या थे, प्रीवियस में थे भी लगभग 1,618 करोड़ के और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में क्या थे 1,573 करोड़ के, यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर एक्सपेंस में भी जंप आया, बट अब की बार जो रिवेन्यू एक्सपेंस है फिर ज़्यादा है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया भाई। लेकिन प्रॉफिट कितना चलिए देखते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग इस क्वार्टर में जो हमें प्रॉफिट देखने को मिला है वो है करीब आप लोग देखोगे 1,069 करोड़ का, ठीक है, जो प्रीवियस क्वार्टर में था लगभग 1,108 करोड़ का और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से आप लोग कंपेयर करोगे तो वहाँ पर 1,693 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ईयर टू ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे प्रॉफिट्स में काफ़ी बड़ा डिक्लाइन आया है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर भी आप लोग देखोगे प्रॉफिट्स में डिक्लाइन आते हुए नजर आ रहा है भाई। तो प्रॉफिटेबल रिजल्ट जरूर है लेकिन प्रीवियस क्वार्टर से जो प्रॉफिट है वो इसका कम हुआ, एंड हाफ ईयर में भी जो प्रॉफिट है वो कम होते हुए नजर आया है। तो अभी प्रॉफिट कम कैसे हो गया, आप लोग देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो कम आया है लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं भाई, यानी कि कहीं ना कहीं टैक्सेस बढ़े हैं, इस वजह से आप लोग देखोगे इसके प्रॉफिट्स हमें डाउन आते हुए नजर आए हैं। तो ये यहाँ पर आपको डाटा देखने को मिलेगा, कहाँ पर ये वाला आप लोग देखोगे यहाँ से जो ये एक्सपेंसेस है पीछे, तो आप लोगों को देखने जो टैक्स एक्सपेंसेस है ये पीछे प्रीवियस क्वार्टर में तो माइनस में गया था भाई, जबकि प्रीवियस क्वार्टर प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में माइनस में था और प्रीवियस क्वार्टर में आप लोगों देखो 398 करोड़ के जो टैक्स एक्सपेंसेस थे, लेकिन करंट क्वार्टर में आप लोग देखोगे 605 करोड़ के हैं। तो ये कारण रहा है भाई इसके अंदर हमें डाउन जाने के पीछे का, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसका जो अर्निंग पर शेयर है यानी कि ईपीएस वगैरह, तो चलिए और आपको मैं दिखा देता हूँ भाई, ये रहा इसका अर्निंग पर शेयर जो कि करीब है 80 पैसे के आसपास या 80 पैसे के आसपास का, जो प्रीवियस में 94 था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1.46 रुपये का था भाई। तो इसका इम्पैक्ट कैसा आएगा, तो मार्केट एस्टीमेट से कंपेयर करते हैं, अर्निंग पर शेयर आया 80 पैसे, एक्सपेक्ट किया गया था भाई 1.05 रुपये, यानी कि मार्केट एस्टीमेट से कम रहा है भाई। इसके अलावा रिवेन्यू की मैं बात करूँ तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है 3,051 करोड़ का और एक्सपेक्ट किया जा रहा था अभी इससे 2,900 करोड़ के आसपास, ठीक है 2,900 करोड़ का एक्सपेक्ट किया जा रहा था, आया ठीक है रिवेन्यू तो ठीक है, लेकिन ईपीएस के मामले में मार खाई है और वो क्यों खाई है, टैक्स एक्सपेंस बढ़ने की वजह से। इसके अलावा आप लोग देखोगे बीच का जो डेट इक्विटी रेशियो है ये भी हमें पीछे के मुकाबले इंक्रीज होते हुए नजर आए, नहीं कंपनी के ऊपर डेट बढ़े हैं भाई। और वहीं अगर बात करें मार्जिन्स की तो प्रॉफिट मार्जिन्स आप लोग देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स पीछे के मुकाबले टूटे हैं काफ़ी ज़्यादा, और वहीं अगर बात करें ऑपरेटिंग मार्जिन्स की, ऑपरेटिंग मार्जिन्स हमें ईयर टू ईयर बेसिस पर कम होते हुए नजर आए हैं, क्यों उनके बेसिस पर ये भी हमें इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। तो ये रिजल्ट्स, अभी रिजल्ट्स का इम्पैक्ट आप लोग अंदाज़ा लगाना कैसे हो सकते हैं, मेरे हिसाब से गिरावट बन सकती है लेकिन इतनी बड़ी गिरावट नहीं आएगी, हल्की फुल्की गिरावट बन सकती है भाई। और एसेट्स की बात करें तो एसेट्स इसके आप लोग देखोगे भी पीछे के मुकाबले इंक्रीज हुई है जो कि अच्छी बात है, और डेट मैंने आपको बता दिया अभी इंक्रीज हुआ, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो डेट तो इसका बढ़ते हुए नजर आया है, ठीक है डेट तो इसका बढ़ा है अभी, ठीक है शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी आप लोग देखोगे डेट पीछे के मुकाबले इंक्रीज हुआ, हल्का सा डाउन आया अभी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो ये इसके रिजल्ट्स हैं, इसके अलावा कुछ पूछना अभी कमेंट में पूछ सकते हो, और ये नोट्स अगर पढ़ना चाहो भी वीडियो को पोस्ट करके एक बार आप लोग डिटेल में पढ़ लेना, ड्यूरिंग द क्वार्टर कैसे रहे हैं क्या कुछ अपडेट्स रही हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।